हाय फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आप सबका बहुत स्वागत है लर्निंग्स के इस नए लेसन में। मैं हूं आपकी अपनी ट्रेनर जेनी और आज हम सीखेंगे हैड, हैड नॉट, हैड बीन और हैड नॉट बीन का सही इस्तेमाल कैसे करना है। इन शब्दों से वाक्य बनाकर दोस्तों, सबसे पहले मैं इंग्लिश में वाक्य बनाऊंगी और फिर वही वाक्य यानी सेंटेंस मैं हिंदी में दोहराऊंगी। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगर आपसे कोई वाक्य मिस हो जाए या समझ ना आए तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। आप बस इस वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक कर पीछे करके उसी वाक्य पर ले जाकर फिर से देख लीजिएगा और फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में अपनी परेशानी लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। आर यू गाइज रेडी? गुड, लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले हम हैड से शुरुआत करते हैं, ठीक है? आई हैड हेडेक, आई हैड हेडेक, मुझे सर दर्द था। आई हैड लव्ड, आई हैड लव्ड, मैंने प्यार किया था। तो हमने इस्तेमाल किया कि दर्द था और प्यार किया था। इसका मतलब ये है कि जब आपके साथ कुछ घट चुका होता है या आप कुछ कर चुके होते हैं तब आप हैड शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके और भी प्रयोग हैं जो हम वाक्य बनाकर सीखेंगे, चलिए देखते हैं। आई हैड एन एप्पल, आई हैड एन एप्पल, मैंने सेब खाया था। आई हैड अ बैड ड्रीम, आई हैड अ बैड ड्रीम, मुझे बुरा सपना आया था। आई हैड अ सोर थ्रोट, आई हैड अ सोर थ्रोट, उसका गला खराब था, मेरा गला खराब था। He had good intentions, उसकी नीयत अच्छी थी। मैंने कहा intentions यानी कि इरादे। ये शब्द intent या intention शब्द का बहुवचन है जिसका मतलब होता है इरादा या धारणा, मंशा या मंसूबा, ठीक है? आइए अगला वाक्य देखते हैं। They had never thought of this, उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। They had a beautiful house, उनके पास बहुत सुंदर घर था। We had always followed him, हम हमेशा ही उनका अनुसरण करते थे। मैंने कहा followed, ये follow शब्द का भूतकाल है। Follow का मतलब होता है पीछा करना या अनुसरण करना, जैसे कि हम सभी गांधी जी का अनुसरण करते हैं, गांधी जी को follow करते हैं। We had never told a lie, हमने कभी झूठ नहीं बोला था। Until that day, I had never lied. Until that day, I had never lied. उस दिन से पहले मैंने कभी झूठ नहीं बोला था। Had she lied? Had she lied? क्या उसने झूठ बोला था? Had they seen us? Had they seen us? क्या उन्होंने हमें देखा था? What had they seen? What had they seen? उन्होंने क्या देखा था? What had she told you? What had she told you? उसने तुम्हें क्या बताया था? Why had we gone there? हम वहाँ क्यों गए थे? Why had she slept? Why had she slept? वो सो क्यों गई थी? How on earth had it been better? Please explain. किस हिसाब से वो बेहतर हो सकता था, कृपा करके बताएं। दोस्तों, मैंने यहाँ अंग्रेजी का एक मुहावरा यूज़ किया, हाउ ऑन अर्थ। ये सवाल करने का एक तरीका है। ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब कुछ आशा या सोच के विपरीत घट जाए, मतलब कि कैसे किया, तो ये कैसे हो गया, ये तो मुमकिन ही नहीं था, पर तुमने कैसे किया या कैसे करोगे, ठीक है? हाउ ऑन अर्थ Did you do it? How on earth did you do it? तुमने ये कैसे किया? How on earth is it possible? ये कैसे संभव है या संभव ही नहीं है? मतलब आश्चर्य होकर जब आप बोलते हैं तब ये इस तरह का आप सेंटेंस फ्रेज कर सकते हैं। Who had she met? वो किससे मिली थी? The person or the same person who had stolen her purse? वही इंसान जिसने उसका पर्स चुराया था। आई हैड ब्रेकफस्ट,
मैंने नाश्ता किया था या मैंने नाश्ता कर लिया. I had had the breakfast. मैंने नाश्ता कर लिया था या दूसरा एट खाने की क्रिया बताता है. ठीक है. We had had fun. हमने मजे कर चुके थे या we had fun. हमने मजे किए थे. दोस्तों कुछ ऐसे हम had का प्रयोग कर सकते हैं. आइए अब हम बढ़ते हैं had not की तरफ. अब पढ़ेंगे had not को कैसे हम यूज करेंगे. ओके लेट्स स्टार्ट. I had not been there. मैं वहां नहीं गया था. I had not sought any help. मैंने कोई मदद नहीं मांगी थी. He had not kept his cool. उसने अपना दिमाग ठंडा नहीं रखा था. मैंने कहा not kept his cool. इसे भी एक फ्रेज ही कहा जा सकता है जहां कुछ शब्द एक साथ मिलकर एक मतलब पर जोर डालते हुए दिखते हैं. गुस्सा गया या गुस्सा हो गया, इसको वाक्य में समझते हैं. वो कुछ भी कहें तुम शांत रहना. Whatever he says, you keep your cool. अगला वाक्य होगा had not से. I hope आपको समझ में आ रहा है. ठीक है. She had not ever felt so lonely. उसे इतना अकेलापन कभी महसूस नहीं हुआ था. They had not set the target. उन्होंने लक्ष्य नहीं बांधा था. Had they not any sense? क्या उनके पास कुछ भी समझ नहीं थी. We had not come for your party. हम तुम्हारी पार्टी के लिए नहीं आए थे. What had not you got? क्या नहीं मिला था तुम्हें. Why had not she put on that dress? उसने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी थी. How had not that affected us? उसका हम पर कैसे प्रभाव नहीं पड़ा या फिर नहीं पड़ा था. How had not you thought before taking such a bold step? तुम कैसे नहीं सोच सकते इतना बड़ा कदम उठाने से पहले. दोस्तों बोल्ड मतलब होता है दबंग, है ना. Had it not happened, I would still be free. अगर ये नहीं होता था तो मैं आज भी आजाद होता. आगे के दो वाक्यों में अंतर देखिएगा. Had it not happened, ऐसा नहीं हुआ होता तो, यह एक सवाल है. दूसरा वाक्य Had it not happened, अगर ऐसा ना होता तो, यह एक आशा है या फिर पछतावा है. तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम had not या had not, hadn't का उपयोग कर सकते हैं. ठीक है. आइए अब had been का प्रयोग देखते हैं. I had been working the whole day. I had been working the whole day. मैं पूरे दिन से काम ही कर रही थी. I had been dreaming. मैं सपने देख रहा था. She had been coughing badly. वो बुरी तरह से खांस रही थी. He had been charged with the theft. उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा चुका था. They had been misusing the power. वे ताकत का गलत इस्तेमाल करते आ रहे थे. They had been pursuing pipe dreams. दो खोखले सपने के पीछे भागते रह रहे थे. दोस्तों pipe dreams मतलब होता है खोखले सपने. ठीक है. We had been exploited time and again. हमारा हर समय शोषण किया जाता रहता था. Exploitation का मतलब शोषण होता है. ठीक है. We had been sent to safeguard you. हमें तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा गया था. Why had it been so difficult for you all? आप सबके लिए ये इतना कठिन क्यों हो रहा था? Why had it been a while since we saw you? तुमसे मिले हुए इतना वक्त क्यों हो चला था?
It had been a while since we saw you. तुमसे मिले हुए काफी वक्त हो गया था. How had you been living? तुम कैसे रह रहे थे? How had the workshop been? वर्कशॉप कैसी रही थी? It had been great workshop. It had been a great workshop. वर्कशॉप बहुत ही बढ़िया रही थी. We had been living a lie. हम एक झूठ जी रहे थे. They had been selling dreams. वो सपने बेचते रह रहे थे. Someone had been knocking my door vehemently. कोई बेतहाशा मेरा दरवाज़ा खटखटाता रहता था या खटखटाता रहा था. दोस्तों, वेहमेंटली का मतलब होता है प्रचंड, तीव्र, यानी बेतहाशा. ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसे हम had been का प्रयोग कर सकते हैं. आई होप आपको समझ में आ रहा है. आइए अब had not been का प्रयोग समझते हैं. I had not been so happy before. मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ था. I had not been to USA till then. मैं तब तक USA नहीं गया था. I had not been lucky. मैं खुशकिस्मत नहीं हुआ करता था. मतलब मैं खुशकिस्मत नहीं था, ऐसा भी समझ सकते हैं. He had not been to school since a week. ये पिछले एक हफ्ते से स्कूल ही नहीं जा रहा था. He had not been so sure ever as he was today. वो पहले कभी इतना दृढ़ नहीं हुआ करता था जितना वो आज था. She had not been to such a place before. वो पहले कभी ऐसी जगह पर नहीं आई थी. She had not been talking about that night. वो उस रात की बात नहीं कर रही थी. They had not been sleeping when the burglar sneaked. जब चोर दबे पाँव आए तब ये सो रहे थे. Burglar मतलब होता है जो मास्क लगाकर चोरी करते हैं. ठीक है. Had not we been tortured enough? क्या हमें टॉर्चर या शोषण नहीं किया गया था? टॉर्चर मतलब है यातना या शोषण करना. ठीक है. वी हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड. आई वुड नॉट लाई. मैं झूठ नहीं बोलूंगा. हमें यातनाएं नहीं दी गई थी. वाई हैड नॉट इट बीन रिपोर्टेड इमीजिएटली. वाई हैड नॉट इट बीन रिपोर्टेड इमीजिएटली. इसकी खबर तुरंत क्यों नहीं भेजी गई थी? इमीजिएटली मतलब होता है तुरंत. Why had not you been present? तुम उपस्थित क्यों नहीं थे? How it had not been conveyed? इसकी जानकारी कैसे नहीं दी गई थी? Conveyed, convey शब्द का भूतकाल है. Convey यानी कुछ जानकारी भेजना या देना. Who had not been a witness to the glory of Rocky? Who had not been a witness to the glory of Rocky? Rocky की शान का गवाह कौन नहीं था? Witness का मतलब होता है गवाह और glory का मतलब होता है शान. Who had not been with her? उसके साथ कौन नहीं हुआ करता था? Time had not been with him since a few years now. Time had not been with him since a few years now. पिछले कुछ सालों से वक्त उसका साथ नहीं दे रहा था. मैंने कहा since a few years now, यानी कि पिछले कुछ सालों से. ठीक है दोस्तों, तो ये थे had not been को प्रयोग करने के कुछ विभिन्न तरीके. I hope दोस्तों आपको ये lesson पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा. अगर आपको पसंद आया होगा तो आप definitely इसे like कीजिए और सब्सक्राइब करना तो कभी मत भूलिएगा. और हाँ, कमेंट्स में भी मुझे लिखकर बताना मत भूलिएगा कि आपको ये कैसा लगा. ठीक है, मैं जल्द मिलूँगी आपको एक नए लेसन के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस जारी रखिए एंड टेक केयर.
बाय।